तो मैं आपका दोस्त अमित जूंज, कैमरामैन जसपाल सिंह तगड़ के साथ आज ओडा की श्री 1008 बाबा संतोख दास गौशाला में भारत सरकार की तरफ से पहुंचे मोहन सिंह आलूवालिया, जिन्होंने ओडा गौशाला का भ्रमण किया और गौ माता के प्रति कई बातें बताई। आइए जानते हैं मोहन सिंह आलूवालिया के आलूवालिया से। मोहन सिंह आलूवालिया, पापा जी कहाँ से? मैं सेंटर एनिमल वेलफेयर बोर्ड है भारत सरकार, उसकी तरफ से काम देख रहा हूँ। आज जाना है क्या दिशा? हरियाणा की गौशालाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और जल्द मिले, दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने कल शमशेर सिंह जी से बातचीत करी थी। तो फिर सोचा कि ओढ़ा इस गौशाला में एक इंस्पेक्शन भी हो जाएगा और इनका पैसा समय पे रिलीज हो जाए, इसलिए अलग अलग गौशालाओं में जा रहा हूँ। पंजाब में गया था, पंजाब से होकर के यहाँ पे आया हूँ। अभी फतेहाबाद जाऊँगा, फतेहाबाद से फिर वापस आऊँगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, ओढ़ा की गौशाला बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी बात ये लगी कि कोई भी आया है तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगे, सीमित दायरे में जितनी जरूरत है उतनी बात की है, इसलिए बहुत अच्छा लगा आकर के। और काम बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है। क्या कर दिया जाए आपको ओडा में? क्या कह दिया आपको ओडा में? गाय हैं, 640 गाय मुझे बताई हैं यहाँ पर हैं, और अब जो भी मैक्सिमम हो सकेगा भारत सरकार से मदद करेगी। मैं शमशेर आर्य, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राज्य गौशाला संघ। सबसे पहले तो मैं माननीय श्री मोहन सिंह आहलूवालिया जी, जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे, इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। और उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की कि गौशालाओं की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे हो सके, गाय की नस्ल सुधार में, गाय की स्थिति के सुधार में क्या क्या कर सकते हैं, इस बात का निर्णय लेने के लिए वो हमारे बीच में आकर के गौशाला संचालकों के बीच में बैठ करके निर्णय ले रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। पिछले 7-8 साल से जीव जंतु कल्याण बोर्ड की तरफ से ग्रांटें नहीं मिल रही थी, जिनके कारण गौशालाओं की स्थिति डामाडोल थी। लेकिन अब हमें आस जगी है, बड़ी खुशी हो रही है कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड से न सिर्फ ग्रांट मिलेगी बल्कि प्रॉपर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। क्योंकि मैं जानता हूं हमारे जो मोहन सिंह आलूवालिया जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने मेवात क्षेत्र में मेव समाज के लोगों को इकट्ठा करके दूध का खूब काम किया है, और वर्तमान में भी पंचकूला क्षेत्र में गाय की नस्ल सुधार पे और लोगों को गाय का प्योर दूध उपलब्ध करवाने के लिए, गाय का शुद्ध घी उपलब्ध करवाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। यदि ऐसा हमारी गौशालाओं में भी हो जाए तो फिर हमें न चंदा मांगने की जरूरत है, न ग्रांट लेने की जरूरत है, न किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है, बल्कि हमारी गौशालाएं रोजगार का साधन बन सकती है, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा यहाँ से हो सकती है। और लोगों में आजकल जो ये तनाव, टेंशन और अनेक तरह की बीमारियां रहती हैं, इनका इलाज यहाँ से हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।